सिवान के लाल सीआरपीएफ जवान के पार्थिव शरीर पहुंचा गांव। पति को तिरंगा से लिपटे देख जवान की पत्नी शव से लिपटकर रोने लगी। बिहार का एक और सपूत देश के लिए शहीद हो गया है। पूरी खबर आपको बताते हैं कि सिवान का एक लाल भारत मां की सुरक्षा करते करते अपना जान निछावर कर दिया। बताते कि सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के मडसरा गाँव के ईश्वरकांत तिवारी पिता जुगल किशोर तिवारी, जो असम में सीआरपीएफ में सिपाही के पद पर तैनात थे, दो रोज पहले घर आए हुए थे। घर पर बड़ी ही धूमधाम से पूजा पाठ भी करवाए। गांव के कुछ लोगों से अच्छे से मिलजुल कर फिर देश की सेवा के लिए चले गए थे। जैसे ही ड्यूटी स्थल पर पहुंचे, अचानक उनका तबीयत खराब हो गया। इसके बाद उनके दोस्त के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। खबर की जानकारी मिलते ही पूरे परिवार सहित गांव में कोहराम मच गया था। बता दें कि उनका पार्थिव शरीर असम से गुवाहाटी आया, फिर गुवाहाटी से कोलकाता और कोलकाता से पटना हवाई अड्डा पर आया, जिसके बाद बाय रोड पैतृक आवास पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा था। सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर पहुंचते ही सभी की आंखें नम हो गई थी। हजारों की संख्या में आसपास के लोग अंतिम यात्रा में शामिल थे। सभी के हाथों में तिरंगा था। सभी लोग भारत माँ की जय, ईश्वरकांत तिवारी अमर रहे के नारे लगा रहे थे। जैसे ही सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर पैतृक आवास पर पहुंचा, जिसके बाद अपने पति को तिरंगे से लिपटा देख जवान की पत्नी बार बार बेहोश हो जा रही थी, वहीं घर पर विधि विधान करके गांव के ही शमशान घाट में जवान का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान बॉडी के साथ आए जवानों के द्वारा सलामी दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। शहीद जवान की मां अहिल्या देवी, पत्नी मीना देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बता दें कि सीआरपीएफ जवान का एक 1.5 साल का बच्चा भी है। इस घटना के बाद परिवार पर दुख का पहाड़ टूट चुका है। वह इस घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधि और सरकार से मांग की गई है कि सीआरपीएफ जवान को उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही एक सरकारी नौकरी भी दी जाए, ताकि परिवार का पालन पोषण हो सके, क्योंकि सीआरपीएफ जवान ही घर का कमाऊ व्यक्ति था। तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार सीआरपीएफ जवान के अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी है। अंतिम यात्रा के दौरान स्थानीय थाना की पुलिस भी मौजूद थी। बता दें कि अंतिम संस्कार के दौरान पार्थिव शरीर के साथ आए जवानों के द्वारा सलामी दी गई।